हेलो, आई एम डॉक्टर अभिषेक. दिस इज साइड डेंटल व्लॉग्स. यू ऑल आर वेलकम टू येट अनदर व्लॉग. तो आज का वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाने वाला हूँ कि जो लोग पान मसाला गुटखा खाते थे या खाते हैं और जिनका माउथ ओपनिंग नहीं होता है, तो किन कारणों की, वो जो मेन कौन से तीन कारण है जिनकी वजह से माउथ ओपनिंग बंद हो जाती है, उसके बारे में आज मैं वीडियो बनाऊंगा. प्लस उन लोगों के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा जिनमें जो लोग सोचते हैं कि जो बाकी लोग भी पान खा रहे हैं उनका मुंह तो आराम से खुल रहा है, मेरा क्यों बंद हो गया. तो इन दो टॉपिक्स पे आज बात करेंगे. तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं. ओएसएमएफ के बारे में तो आप जानते ही हैं. ओएसएमएफ एक निकोकोटिनियस डिजीज है जिसमें आपका व्हाइट हो जाता है पूरा. जो ओरल कैविटी होती है, जो स्किन होती है ओरल कैविटी की, पूरी व्हाइट हो जाती है. और उसके बाद क्या होता है, जो एपिथीलियम है बिल्कुल थिन हो जाती है और हमारे मुंह में जलन स्टार्ट हो जाती है. आप जानते ही हैं, मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस बनाए थे ओएसएमएफ में कि इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. इनिशियल स्टेज, देन स्टेज 1, 2, 3, 4, बेसिकली 5 स्टेजेस. इनिशियल स्टेज को हम 1 या 2 काउंट नहीं करते. इनिशियल स्टेज को हम इनिशियल स्टेज बोलते हैं, जिसमें हमारी बहुत कम बर्निंग सेंसेशन होती है एंड स्लाइटली हमारा माउथ में अल्सरेशन या व्हाइट लीजन्स स्टार्ट होते हैं. फिर स्टेज 1 में माउथ ओपनिंग भी नॉर्मल रहती है, प्लस बर्निंग सेंसेशन थोड़ी बढ़ती है. स्टेज 2 में माउथ ओपनिंग थोड़ी कम हो जाती है एंड 22 to 44 mm के बीच में रहती है एंड उस स्टेज में हमारे अल्सरेशन स्टार्ट हो जाते हैं. स्टेज 3 में माउथ ओपनिंग बिल्कुल कम हो जाती है एंड बर्निंग सेंसेशन इंक्रीज हो जाती है. स्टेज 4 में बिल्कुल माउथ क्लोज हो जाता है, जस्ट 1 cm माउथ खुल सकता है या नहीं भी. तो ये जो मेन कारण जो है, फर्स्ट कारण कि माउथ क्लोजर का काम कैसे होता है. अब देखिए, माउथ ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो डिफरेंट मस्कुलेचर्स की वजह से होती है. अब हमारा यहाँ पे एक जॉइंट होता है टीएम जॉइंट से अटैच रहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स. लाइक जो हमारी बोन रहती है उसमें मैसेटर मसल अटैच है, लैटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड, ये सब मसल्स जो हमारे मैस्टिकेशन मतलब च्यूइंग में काम आते हैं. तो वो सारे मसल्स हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल रहते हैं. उसमें हमारा ओएसएमएफ तो जो मसल्स को हैम्पर नहीं करता है. तो एक्चुअली में मुंह क्यों बंद होता है कि हमारे मसल्स के इनसाइड में जो हमारा चीक्स है उसमें बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं. तो उस फाइबर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं. इलास्टिक फाइबर्स रहते हैं, कोलाजन फाइबर्स होते हैं, न्यू फाइबर्स बनते हैं, पुराने फाइबर खराब होते हैं तो डिस्कार्ड हो जाते हैं, फिर न्यू फाइबर्स बनते हैं. ओएसएमएफ में क्या होता है, जो पुराने कोलाजन फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस लिंक हो जाते हैं. तो वो कैसे होगा, जब हम अपने मुंह में गुटखे और पान को बहुत टाइम तक रखते हैं. एग्जाम्पल, कोई अगर पढ़ाई कर रहा हो और गुटखा खा के सो गया, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जो गुटखा का जो रस है और जो भी सलाइवा के साथ मिलके जो उसका जो बनता है वो हमारे गले के पोस्टर वॉल फेरेंजियल वॉल में चला जाता है, स्टमक में भी चला जाता है. तो पोस्टर फेरेंजियल वॉल जो इसोफेगस बोलते हैं, जो हमारी खाने की नली होती है, वो हमारी कंस्ट्रिक्ट होने चालू हो जाती है. प्लस हमारे पीछे का जो ओरल म्यूकोसा है पूरा व्हाइट हो जाता है. तो ऊपर की स्किन अगर पूरी फाइब्रोस्ट हो जाती है और व्हाइट हो जाएगी तो आपका मुंह वैसे भी नहीं खुलेगा. दूसरा होता है कि जो गाड़ी चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स एंड जो लोग ऑटो चलाते हैं या फिर टैक्सी चलाते हैं, उनको नींद आने लगती है खाने के टाइम, या फिर जो भी खाना खाने के बाद उनको बहुत देर ड्राइव करना है तो वो लोग मुंह में गुटखा लेके कार ड्राइव करते हैं. तो उससे क्या होता है कि काफी टाइम तक वो गुटखा एक साइड में रहता है, एक साइड या मुंह के अंदर बहुत टाइम तक रखता है. और वो थूक भी है, काफी लोग निकल जाते हैं क्योंकि अगर खिड़की से थूक फेंकेंगे तो वो तो गाड़ी पे गिरेगा ना. तो ये एक मेन कारण होता है कि ओएसएमएफ का बढ़ने का. तीसरा ये होता है कि काफी लोग बचपन से ही गुटखा चालू कर देते हैं, जो कि हम बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, जो कि बस्ती वाले कुछ लड़के और लड़कियां भी इनफैक्ट सभी लोग जो यहाँ पे, क्योंकि सिगरेट की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है तो आजकल सब लोग गुटखा और पान मसाला पे रिवर्ट बैक कर रहे हैं. तो ये जो तीन मेन कारण है उसको स्टॉप करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं. हम निकोटिक्स च्युइंगम यूज कर सकते हैं जो कि 2 mg और 4 mg की अवेलेबल होती है. हम स्ट्रैप यूज कर सकते हैं, स्टिकर जैसा अवेलेबल होता है, वो हम लगा देंगे तो हमको गुटखे की जो तलब है वो नहीं लगती है. तो ये सब चीजों से आप इन चीजों को प्रिवेंट कर लेते हैं. अब रही बात उन लोगों की जो लोग ये सोचते हैं कि मैं तो गुटखा खाता हूं, मुझे ओएसएमएफ हो गया, और एक और मेरा दोस्त गुटखा खाता है उसको तो कुछ नहीं है, वो तो आराम से घूम रहा है, उसका माउथ ओपनिंग पूरा नॉर्मल है, फिर मेरे को ये क्यों हुआ. तो देखिए, हर आदमी की जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी अलग अलग होती है. किसी को डायबिटीज होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है, किसी को नहीं होती है. तो ओएसएमएफ होने के लिए भी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी चाहिए. अब कोरोना वायरस भी जो है सबको
नहीं किल कर रहा है, कुछ कुछ पर्सन में थोड़ा सा सिम्टम्स देके वो चला जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ पर्सन में सीवियर निमोनिया हो जा रहा है, सीवियर प्रॉब्लम्स हो रही है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ रहा है वैक्सीनेशन के बाद, तो दे आर मोर जेनेटिकली ससेप्टेबल टूवर्ड्स कोरोना वायरस। वैसे ही OSMF भी है, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी डिफरेंट होती है, प्लस आप कोइंसिडेंटली आप उससे ज्यादा गुटखा खाते होंगे या फिर आपका जो ओरल कैविटी है इट डजंट सूट, तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मेन चीज आपको ये हैबिट छोड़नी है, जितना जल्दी हो सकेगा आप इस हैबिट को छोड़िए, और अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो ये स्लोली स्लोली स्टेजिंग जो इनिशियल स्टेज है, आप फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, देन इट विल गो टू लेटर हायर स्टेजेस, जिसमें क्या होता है कि फिर उसके बाद रिवर्ट बैक होना बहुत मुश्किल होता है, एंड देन यू गो फॉर सर्जरी, स्पेंड लॉट ऑफ मनी, बहुत खर्चा करते हैं आप, फिर भी कोई फायदा नहीं होता है, इवेंचुअली डिप्रेशन हो जाता है लोगों को। तो जितना जल्दी हो सके इस बुरी आदत से छुटकारा पाए, निकोटेक्स च्युइंगम खाएं, भले ही आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर लगे, लेकिन आप च्युइंगम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके मेथड्स होते हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं इसको, आपको अगर इस चीज में नहीं पता है इसके बारे में, तो थोड़ा सा पैंडेमिक कम होने के बाद आप किसी भी डेंटल कॉलेज में जा सकते हैं। हर डेंटल कॉलेज में एक TCC सेंटर रहता है, इसका नाम होता है टोबैको सिसेशन सेंटर, तो वो आपकी काउंसलिंग करते हैं, वो आपको टोबैको को छोड़ने के लिए कहते हैं, डिफरेंट निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बताते हैं, तो वो सब डेंटल कॉलेजेस में ही अवेलेबल होता है। इनफैक्ट मेडिकल कॉलेजेस में भी टोबैको सिसेशन सेंटर होता है, तो वहां पे आप जाके एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि ड्रग रिहेबिलेशन सेंटर्स होते हैं, कोई अगर ड्रग्स लेता है तो उसके लिए भी, वैसे टोबैको छोड़ने के लिए भी सेंटर्स हर डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में होता ही है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करता हूं, आई होप यू लाइक इट, और कुछ क्वेरी होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम sai_dental में मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूं लेकिन स्लोली, एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।